ऑलराइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च किए गए नए 5G प्रोसेसर के बारे में। जी हां दोस्तों, मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमेंसिटी 7 सीरीज का नया प्रोसेसर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7350 ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। ये जो प्रोसेसर है अपर मिड रेंज वाले फोन्स में आपको देखने को मिलेगा, मतलब आप मान सकते हैं कि 20,000 से 30,000 वाले फोन्स में ये जो चिपसेट है अगर आता है तो वो जो फोन्स हैं प्राइस के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देंगे। हालांकि अभी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि ये जो प्रोसेसर है वो कौन से स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलने वाला है, लेकिन रूमर्स कहते हैं कि नथिंग फोन 2A प्लस में ये जो चिपसेट है आपको सबसे पहले देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इसी चिपसेट से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या तामझाम दिया गया है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है, कितना पावरफुल चिपसेट है, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड गाइस अगर ऐसे ही कंटेंट में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं चिपसेट के बारे में, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैब्रिकेशन प्रोसेस से। ये जो चिपसेट है TSMC के बनाए हुए सेकंड जनरेशन 4 नैनोमीटर नोड पर बना हुआ है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये चीज आपको पता है कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी उतना प्रोसेसर बेटर परफॉर्मेंस देता है, हीटिंग का इशू आपको उतना ही कम देखने को मिलता है, थर्मल मैनेजमेंट उतना ही बढ़िया रहता है। 4 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस यहां पर दी गई है, सेकंड जनरेशन की फैब्रिकेशन प्रोसेस है, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया मिलने वाली है, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम मिलेगा एंड परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगी। इसके बाद में CPU की अगर बात करें तो यहां पर आपको 64-bit का ऑक्टा कोर CPU दिया गया है। अब 64-bit ऑक्टा कोर का मतलब क्या हो गया कि टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टी टास्किंग के लिए यहां पर आपको 8 कोर्स दिए गए हैं, एंड 8 कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच में किया गया है। बिग लिटिल अप्रोच का मतलब क्या है भाई, 2 यहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं एंड 6 आपको एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं, एंड यहां पर आपको ARM V9 आर्किटेक्चर दिया गया है। ये काफी अच्छी बात है, लेटेस्ट ARM आर्किटेक्चर का चिपसेट है। अगर डिटेल में CPU की बात करें तो जो 2 परफॉर्मेंस कोर्स यहां पर आपको दिए गए हैं वहां पर आपको मिलता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Cortex A715 CPU, एंड क्लॉक स्पीड यहां पर आपको मिलती है 3.0 GHz की। तो परफॉर्मेंस कोर्स तो आपको बहुत अच्छे दिए गए हैं भाई साहब, लेटेस्ट कोर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्लॉक स्पीड भी आपको बहुत अच्छी दी गई है, तो हाई परफॉर्मेंस जो टास्क रहेंगे वहां तो आपको शिकायत बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड 6 जो एफिशिएंसी कोर्स आपको दिए गए हैं वहां पर आपको मिलता है ARM Cortex A510 CPU, एंड क्लॉक स्पीड प्रोबेबली यहां पर आपको दी गई है 2.0 GHz की। तो जो एफिशिएंसी टास्क है वो भी आपके बढ़िया तरीके से निपट जाएंगे। ओवरऑल जो CPU आर्किटेक्चर दिया गया है वो बढ़िया दिया गया है, एंड स्पेशली जिस प्राइस सेगमेंट में आपको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपको प्राइस सेगमेंट के हिसाब से CPU परफॉर्मेंस बढ़िया देगा। इसके बाद में GPU की अगर बात करें तो यहां पर आपको ARM की तरफ से आने वाला ARM Mali G610MC4 GPU दिया गया है। ये जो GPU है प्रोबेबली 4 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, एंड 4 कोर का GPU है, मतलब गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया निकाल करके दे देगा, 60 FPS तक की गेमिंग आपको करा देगा, तो वहां आपको शिकायत नहीं आएगी। साथ ही साथ MediaTek HyperEngine 5.0 का यहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा, तो गेमिंग में आपको थोड़ी सी और एफिशिएंसी मिल जाती है, एंड साथ ही साथ ये जो GPU है 1130 MHz पर क्लॉक किया गया है, तो फ्रीक्वेंसी भी यहां पर आपको बढ़िया मिलती है, गेमिंग ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस में भी आपको शिकायत नहीं आएगी, गेमिंग की परफॉर्मेंस तो आपको बढ़िया मिलेगी मिलेगी, साथ ही में ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको इमेज एडिटिंग करनी है या जो रेंडरिंग की स्पीड निकल करके आती है, अच्छा GPU होने के कारण बढ़िया तरीके से निकल करके आएगी। सो ओवरऑल GPU यहां पर आपको बढ़िया दिया गया है। इसके बाद में बात करेंगे RAM सपोर्ट की, तो यहां पर आपको LPDDR4X एंड LPDDR5 RAM का सपोर्ट दिया गया है। अगर LPDDR5 RAM यूज किया जाता है तो 3200 MHz की आपको RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है, एंड अगर LPDDR4X यूज किया जाता है तो 2133 MHz की आपको RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है। डुअल चैनल RAM का यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है, एंड साथ ही साथ 16 GB तक की आपको RAM साइज यहां पर मिल सकती है, मतलब मैक्सिमम RAM साइज 16 GB दिया गया है। तो RAM सपोर्ट आपको बढ़िया मिल जाता है भाई, 25,000 से 30,000 के बीच में भी अगर कोई फोन आता है तो वहां पर आपको 16 GB से ज्यादा की RAM तो मिलती नहीं है, इवन 12 GB भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मेरे हिसाब से RAM सपोर्ट यहां पर आपको सही दिया गया है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो UFS 2.x वाला स्टोरेज सपोर्ट आपको मिलता है, एंड UFS 3.x का भी सपोर्ट दिया गया है, मतलब UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 एंड UFS 3.1 चारों प्रकार की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, लेकिन यहां पर आपको UFS 4.0 का सपोर्ट नहीं दिया गया है।
इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल स्टोरेज सपोर्ट सही है भाई, मतलब 25,000 के प्राइस पॉइंट पर UFS 3.1 आई थिंक बढ़िया है, वहां पर आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे इसके बाद में NPU की, तो यहां पर आपको MediaTek NPU 657 दिया गया है, जहां पर आपको AI एनहांसमेंट काफी सही मिलने वाला है, तो ये अच्छी बात है। उसी के बाद में अगर हम बात करेंगे कैमरा सपोर्ट के बारे में, तो MediaTek का Imagic 765 ISP यहां पर आपको दिया गया है, जो कि 14 बिट का डुअल ISP है, HDR को सपोर्ट करता है। यहां पर अगर बात की जाए कैमरा सपोर्ट की, तो 200 मेगापिक्सल तक का यहां पर आपको कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अब इंडिविजुअली MediaTek की तरफ से नहीं बताया गया है कि डुअल कैमरा सेटअप कितना मिलता है, सिंगल कैमरा सेटअप आपको कितना मिलता है, लेकिन मैक्सिमम 200 मेगापिक्सल का आपको सपोर्ट मिलता है। एंड यहां पर आपको MFNR का सपोर्ट मिल जाता है, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन आपको मिल जाता है, साथ ही साथ जीरो शटर डिले भी आपको देखने को मिल जाता है, एंड HDR कैपेबिलिटीज भी आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से ISP यहां पर आपको डिसेंट दिया गया है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करेंगे, तो इस चिपसेट के साथ में आप मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर, एंड यहां पर भी आपको HDR कैपेबिलिटीज मिल जाती है, ये काफी अच्छी बात है। 1080 पिक्सल्स वाले आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 240 FPS पर, एंड 720 पिक्सल्स वाले आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 480 FPS तक। तो वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन तो आपको बढ़िया मिल जाता है, वहां पर आपको शिकायत नहीं आती है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, तो मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD प्लस डिस्प्ले का यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है। ये एक कमी आपको लग सकती है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है जिस सेगमेंट में आएगा 20,000 से 30,000 में, वहां पर 1.5K रिजोल्यूशन की आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको मैक्सिमम फुल HD प्लस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। एंड फुल HD प्लस डिस्प्ले अगर यूज किया जाता है, तो फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ में 144 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिल सकता है। तो स्मूथनेस तो आपको बढ़िया मिलेगी, रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आपको बढ़िया दिया गया है, लेकिन प्रोबेबली 1.5K रिजोल्यूशन इस चिपसेट के साथ में पॉसिबल नहीं रहेगा, जो कि एक कमी मुझे लगती है। इसके बाद में यहां पर आपको Myra Vision का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, MediaTek Myra Vision 765 का यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है। HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, Dolby Vision का सर्टिफिकेशन आपको मिल जाता है, QA HDR का सपोर्ट भी इस चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। सो डिस्प्ले कैपेबिलिटीज इस चिपसेट में अच्छी दी गई है, लेकिन थोड़ा सा बेटर रिजोल्यूशन होता तो और ज्यादा अच्छा रहता। इसके बाद में मॉडेम की अगर बात करेंगे, तो यहां पर आपको इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम दिया गया है, जो कि डाउनलोड स्पीड आपको देता है 4.7 Gbps की, एंड अपलोड स्पीड की अगर बात करें, तो 2.5 Gbps के आसपास आपको अपलोड स्पीड देखने को मिलती है। ये जो मॉडेम है सब 6 GHz बैंड को सपोर्ट करता है, MMWave को सपोर्ट नहीं करता है। वैसे हमको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, सब 6 GHz बैंड अगर आता है इंडिया में, तो हमको कोई 5G में दिक्कत नहीं आती है। सैटेलाइट सिस्टम्स की अगर बात करें, तो GPS का आपको सपोर्ट मिलता है, ग्लोनास का सपोर्ट आपको मिलता है, बाइडू का सपोर्ट मिलता है, गैलीलियो का सपोर्ट मिलता है, QGIS का सपोर्ट मिलता है, एंड साथ ही साथ नेविक का भी यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है, ये अच्छी बात है। बाकी अगर दूसरी चीजों की बात करें, तो Wi-Fi 6E का यहां पर आपको सपोर्ट मिलता है, एंड Bluetooth 5.3 का भी यहां पर आपको सपोर्ट दिया गया है। ओवरऑल अगर चिपसेट देखा जाए, तो चिपसेट अच्छा है भाई साहब, फैब्रिकेशन प्रोसेस बढ़िया है, CPU आपको तगड़ा दिया गया है, GPU आपको बहुत अच्छा मिलता है, RAM सपोर्ट बढ़िया दिया गया है, स्टोरेज सपोर्ट सही है, कैमरा ISP सही है, मॉडेम आपको बढ़िया दिया गया है, लेटेस्ट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज आपको मिल जाती है, तो चिपसेट बड़ा अच्छा है भाई साहब। ये जो चिपसेट है, अगर 20,000 से 25,000 वाले फोन्स में हमको देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट लाइकली मिलना ही चाहिए, तो परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगी। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताओ भाई, आपकी क्या विचार है चिपसेट के बारे में, कैसा लगा आपको चिपसेट, कैसा लगे स्पेसिफिकेशंस, क्या लगता है कितना पावरफुल चिपसेट है, एंड क्या इस चिपसेट का आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, एंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कौन कौन से चिपसेट के साथ में देखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।